राम राज्य राम राम का आ गया दीदी, हम आशाओं का नहीं आया। हम सारे दिन भर रात भर 24 घंटा काम करते तो भी हमको राम राज्य नहीं मिला। ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, हमको सिर्फ काम काम और काम ही करना है। हम नहीं चिंगारी हैं, हम भारत के नारी हैं। हम चाहेंगे तब मुख्यमंत्री की आबादी पहले उतार कर घर में बैठा देंगे। 20 साल हो गए तो भी हमको कुछ नहीं फायदा मिलने वाला है। बगर भी नहीं मिलता, अरे मिलता तो मिलता, पूरा भी नहीं मिलता। 1500 हमें मानदन नहीं होना, हमको पेमेंट ही होना, क्योंकि हम मानदन के भरोसे पे कब तक जिएंगे। हम सब गांव-गांव में जाके काम करते सब, अभी पोलियो का जो था वो भी हमने किया काम, वो भी पोलियो काम काम मुक्त हो गया। वैसे ही हम देश में सभी डिलीवरी, कोई भी बच्चे होगा उसका वैक्सीनेशन सब काम हम लोग करते। मोदी तो बोल रहे कि अच्छे दिन आए, कहाँ अच्छे दिन आ रहे, हम लोग तो फुट फुट कर मर रहे अभी। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, ये हुजूम देख लीजिए, ये हुजूम महिलाओं का है और ये अपने घरों से निकल के दिल्ली के जंतर मंतर पे आ गई हैं। इनसे बातचीत करेंगे, ये बता रही हैं आशा वर्कर्स हैं, अलग अलग राज्य से अलग अलग जिले से ये लोग आई हैं। कहाँ से आई हैं मैम? हम महाराष्ट्र से आए हैं, हम चंद्रपुर जिले से है, हम सब आशा वर्कर है, यहाँ पे आए हुए है। हमारी पूरी मांगे है कि हमारा जो वेतन मिलता वो हमको नहीं, क्या पूरा वेतन होना, और हमारी मांग ये है कि हमें पेंशन भी मिलना जरूरी है। और हम सब गांव-गांव में जाके काम करते सब, अभी पोलियो का जो था वो भी हमने किया काम, वो भी पोलियो काम काम मुक्त हो गया। वैसे ही हम देश में सभी डिलीवरी, कोई भी बच्चे होगा उसका वैक्सीनेशन सब काम हम लोग करते, लेकिन हमें सिर्फ उसका जो है इंडिकेटर पे ऊपर काम के ऊपर पैसा मिलता। हमें वो इंडिकेटर के ऊपर काम पे पैसा नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए। और हमको वेतन नहीं मिल रहा है, हमें वेतन चाहिए। अगर वेतन नहीं दिए सरकार तो हम अगले मंथ में भरपूर आंदोलन करेंगे और सरकार से पूछेंगे कि क्या है। हमको सब वेतन चाहिए, वेतन चाहिए और हमको पेंशन चाहिए। हर वेतन हमारे हर मंथ में जमा करने को होना। हमें मानदान नहीं चाहिए, हमें पेंशन ही चाहिए, पेंशन भी चाहिए और वेतन भी चाहिए। हमें मानदान नहीं होना, हमको पेमेंट ही होना, क्योंकि हम मानदान के भरोसे पे कब तक जिएंगे। हमारी भी कुछ लाइफ है, हमको ना पेंशन है ना हम गवर्नमेंट में ऐसे कौन से गवर्नमेंट की फैसिलिटी ले सकते हैं, कुछ नहीं, तो हमको मानदान नहीं पेमेंट ही होना। जी मेरा चयन मुक्त कर दिया, काम करते भर में साइन करा लिया चयन मुक्त के लिए, काम करते हुए बच्चा के ले लेके काम करते हैं, डिलीवरी भी कराता है, ऑपरेशन भी करवाता है, टीकाकरण भी करवाते हैं। अब BCM चुप्पे से साइन ले लिया, हम नहीं जाने सादा सादा पन्ना। कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो, पेंशन होना, पेंशन होना, होना को वेतन आमचा हक्काच, नाही कुणाच्या बापाचा, वेतन आमचा हक्काच, नाही कुणाच्या बापाचा। असा कसा देत नाही याच्याशिवाय राहत नाही, असा कसा देत नाही याच्याशिवाय राहत नाही। आयटक युनियन चंद्रपूर संघटनेचा BPL चे मिळते पैसे, APL चे नाही भेटत, तर ते सर्वसाधारण सर्वच मिळालं पाहिजे होतं। आणि आमची मागणी आहे आम्हाला वेतन हवं। हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार ये छोटे मोटे यानी इतने कमिया कमाई से चलता नहीं। हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारा शिक्षण पानी है। हम रोज 24 घंटा काम करते, जब फोन आया डिलीवरी का पेशेंट आया हर रात को उठ के चले जाते। 24 तास सेवा हम अपने गाँव में देते तो भी हमें वेतन होना ही, ऐसा सरकार से मनना है हमारा। तो सरकार आप लोग की मान मान लेगी, क्या लग रहा है आप लोग को? माननी होंगी, अगर नहीं मानेंगे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मोदी जी को वोट दीजिए, 24 में जिताइए, बढ़िया और बढ़िया काम करेंगे मोदी जी। कभी नहीं हम ऐसा करेंगे।
करेंगे, जब इतने साल से कर रहे हैं तो हमें कुछ भी बढ़ाया नहीं। हम अपने लड़ लड़के वेतन मांग रहे, लड़ लड़के पैसा मांग रहे, तीन तीन चार चार महीने हमारा पेमेंट जमा नहीं होता, हमारे को पेमेंट चालू नहीं हुआ है, हमको मानदन मिल रहा है जो है वो मानदन, मानदन कब तक चलेगा? हम जॉब करेंगे, हम तबियत सही रहेंगी तो जॉब करेंगे तो मानदन मिलेगा, हम बीमार गिर जाएंगे 10 दिन बीमार रहेंगे तो महीना भर का हमारा मानदन काटेंगे। हमें नहीं क्या कंत्राटी बेस पे भी अगर एनआरएचएम की जगह निकलेंगी तो उसको सबसे पहले आशा वर्कर को ही लेना पड़ेगा, सरकार से हमारा कहना है। दूसरी बात बोले तो वेतन तो हर महीने में जमा करना है और वेतन की चिट्ठी हम लोगों को देना है। और जो गट प्रवर्तक आशा है, अगर पहली बार कभी प्रेग्नेंट रहे उसको प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का लाभ है और सबको मिलना जरूरी है। ड्यूटी के समय किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं आप लोग को? हमें तो बहुत दिक्कत आती है, हमें खेड़े में रहते हैं ग्रामीण विभाग में, हमें कुछ यानी फैसिलिटी कुछ नहीं है, गाड़ी नहीं है, सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। कभी कभी हमारी महिलाएं खेत रहते, खेत के बाहर में गाँव रहता, वो भी खेत पार करके गाँव में, वो लेडीज जो रहती गरोदर महिला, और जो फोन करेंगे उसको पूरा सेवा आरोग्य संस्था में देते। हम उतना सब काम करते ले तो हमारी इतनी दिक्कत आती, कभी घर में गए तो हमें कभी कभी मान सम्मान नहीं मिलता, हमारी बात सुन के टाल देते, हमारा मान सम्मान भी होना। और हम लोग सिटी में रहते हैं, सिटी एरिया वालों को तो बड़े लोग तो हमको घर के अंदर आने नहीं देते, पर चलो हम अभी कुछ आपको घर के अंदर क्यों नहीं आने देते जबकि आप लोग अपना काम करते हैं? हाँ, वो बोलते हैं कि तुम्हारा रोज रोज का ही काम है, आशा एक घर में 10 बार जाना पड़ता है हम लोगों को, तो बोलते तुम हमेशा हमेशा आते हैं, कब तक बोलते तुमको, तुम हमारे यहाँ क्यों आते हैं, बोलते हम खुद कर लेंगे, बोलते सम्मान नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं, हमको सरकारी कर्मचारी नहीं बोलते हैं। क्या कहते हैं आप लोगों को? तुम तो कंठाटी पे है, आशा सेविंग आशा लोग है, तुम सरकारी कर्मचारी नहीं हो, हम लोग खुद जाके अपना कर लेते। आज तक हमें आशा यानी आशा सेविका करके कभी नहीं बोला, आशा स्वयंसेविका करके बोल रहे, इसलिए मैं अपने मन की बात है, आशा स्वयंसेविका उसका मतलब है स्वतः की मर्जी के अलावा, अगर कुछ काम हम नहीं करेंगे तो इसका मानना है कि आप गए नहीं, क्योंकि हम जो काम का पैसा ही नहीं मिलते, हमारी चुनाव जो है वो कैसे है मालूम है क्या, उसको कैसे बोलते हैं, मानधन के ऊपर है, इंडिकेटर के ऊपर, इंडिकेटर काम करो 10 रुपए लो, इंडिकेटर का काम करो 5 रुपए मिलो, ये भीख दिए ऐसे सरकार कर रहे हमारे साथ, 5 रुपए में क्या मिलता? अच्छे दिन आ गए हैं, राम राज्य आ गया है, राम राज्य राम का आ गया दीदी, हम आशाओं का नहीं आया, हम सारे दिन भर रात भर 24 घंटा काम करते तो भी हमको राम राज्य नहीं मिला, हम लड़ते ही रहते। बोल रहे क्या कह रही है? ये राम राज्य बोल के मरा मरा बोल रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बेटे है ना भूखे मर रहे हैं। हाँ, क्या बढ़ा दिया? सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया है, हम सब महंगाई बढ़ गई है, सब महंगाई बढ़ा दी है, हमारे मानदन इतना कम है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। मोदी जी को एक ही निवेदन है हमारा, हमको सर जी कुछ नहीं होना, हमको तुम हमारा वेतन लागू कर दीजिए बस। मोदी जी कहते हैं देश की महिलाएं मेरी बहन है, आप लोग तो उनकी बहन की तरह हैं, बताइए। बहन ऐसे भूखे प्यासे घूमती रहती है, सिलेंडर 1150, यहाँ पे घर में पेट्रोल इतना महंगा, ऑटो इतना महंगा, अगर हम नहीं जाओ तो हमको क्या गाड़ी है, गवर्नमेंट की गाड़ी आती हमको लेने को, बस की सेवा कम कर दिया, बस थोड़ी ना चलती है सिटी में, फिर एपीएल बीपीएल का भेज दे, कुछ नहीं बातें, हमको पेमेंट होना। हम यवतमाल जिले से आए, 2001 से हम स्कूल में काम कर रहे हैं, हम 1500 रुपए में कैसा घर परिवार चलाएंगे, 20 साल हो गए तो भी हमको कुछ नहीं फायदा मिलने वाला है, पगार भी नहीं मिलता, मिलता का मिलता पूरा भी नहीं मिलता, 1500 में घर चल जाता, नहीं चलता, 20 से 24 हजार वेतन मिलना चाहिए हमको, रोजी रोटी नहीं मिलती, दिन भर वहाँ जाके क्या करना, वो मोदी को कम से कम थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रही क्या, 50 रुपए भी हमको नहीं पड़ रहा है, हमारा घर कैसा चलेगा, वो मोदी को शर्म नहीं आ रही, उसका एक दिन का चाय का खर्चा 1500 रुपए होगा, 5-5-6-6 महीना वो 1500 रुपए भी देने को तैयार नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, खुशी खाली करो, ठीक चले जाओ। 20 साल से लड़ दे आ रहे हैं लेकिन एक रुपया भी वो बढ़ा दे नहीं दे रहे हैं, 1500 रुपए बोलते हैं तो खर्रा खा के घूमते, लेकिन हम गरीब लोग हैं, 1500 रुपए में बढ़ेंगे कर करके इतने दिन करके आ रहे हैं, लोगों को झाड़ू पोछा करके एक घंटे में डाल दिए कचरे की तरह। 20 साल से हम काम कर रहे हैं, अभी तक हमको 500 में काम कर रहे थे, अभी हमको 1500 हो गया काम कर रहे थे, हमको झाड़ू पोछा
घंटे शाम स्कूल में रहना पड़ता। अभी तक मोदी सरकार ने हमारे को कुछ नहीं दे दिया, हमारे पेट की हमारी कुछ खाने को नहीं मिलता। हम 5 घंटे 4 घंटे काम कर रहे वहाँ पे, हमारी हमारी तनख्वाह बढ़ने को होना। हम चंद्रपुर से आए हैं, हमको पेमेंट मिलता नहीं, काम करो तो पैसा लो, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आता। तो वैसे क्या करेंगे, पैसा नहीं आएगा तो हम कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ से हमारे अच्छे दिन आएंगे। मोदी तो बोल रहे कि अच्छे दिन आए, कहाँ अच्छे दिन आ रहे, हम लोग तो फुट फुट कर मर रहे। अभी इतने धूप में आए उतने चंद्रपुर से पैसे खर्चा करके, अब कुछ ना कुछ। खेती में काम करने वाली महिला भी 200 रुपये रोज कमाती है, लेकिन हमको तो उतना भी रोज नहीं मिलता। अभी 5,500 रुपये पेमेंट कर दिए बोलते सरकार ने, जब आएगा तब देखे जाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल हम 3,500 में ही काम कर रहे हैं, और वो भी APL के माताओं का डिलीवरी हो गई तो उस पर हमको कोई भी राशि या कोई भी निधि नहीं मिलती। लेकिन वो उनकी डिलीवरी के जब भी बुलाए उन्होंने तो जाना ही पड़ता, चाहे रात हो चाहे दिन हो। हमारी ड्यूटी तो 6 बजे से शाम के 12 बजे तक चालू ही रहती है, और उसका मुबदला हमें नहीं मिलता। और जो जिस काम का मुबदला नहीं मिलता वो भी काम हमको ज़बरदस्ती से सिस्टर लोग हमारे जो अधिकारी ऊपर के वो कराते हैं, और रात दिन हमको ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, हमको सिर्फ काम काम और काम ही करना है। मोदी सरकार कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए, दीदी अच्छे दिन आ गए, और सरकार के आ गए जो कुर्सी पे बैठ के उसके अच्छे दिन आ गए। आज जो हमारे तरफ से काम करवा के वो अपने किसे भर रहे उसके अच्छे दिन आ गए, हमारे अच्छे दिन नहीं आ गए। जो एकादा और मोदी सरकार हमारे साथ घूमे और हर घर में जाए, उसको देखना है कि आशा कैसे काम करती है, कितना गाली मिलती है उसको। अगर हम नहीं गए उसको चप्पल से मारते, सब गांव वाले चप्पल से मारते, क्योंकि उसको कोई पहचानता नहीं, पहचानता आशा को। आधे रात में भी आशा गई तो भी उसको अच्छी तरह से गांव के लोग बात करते। अगर कोई भी कर्मचारी अगर आके बात करे गांव में, उसको कोई घुसने नहीं देता। इसलिए जो आशा की है, आशा है तो गांव का काम है, नहीं तो कुछ नहीं है। हम लोग काम करते हैं तो दाम दीजिए, काम कर रहे हैं इतना मेहनत करते हैं, रात बिरात डिलीवरी ले जाते हैं। हम लोग का ये हॉस्पिटल में इज्जत नहीं है, हम लोग 1,000 से पर चलेगा, बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं, कम से कम 1,000 देना चाहिए ना। मांगी के जमाने में 1,000 रुपये राशि क्या है, देना चाहिए, नहीं तो हम लोग नया मुख्यमंत्री बनाएंगे। 1,000 कम से कम दीजिए, हम नहीं चिंगारी हैं, हम भारत के नारी हैं, हम चाहेंगे तो मुख्यमंत्री के आबादी पहले उतार कर घर में बैठा देंगे, नहीं तो हम लोग का 1,000 रुपया चाहिए मांगे। ऐसे की हम लोग को इज्जत नहीं मिल रहा है, रातें बिराते डिलीवरी ले जाते हैं, सब काम हम लोग का है, अब पैसा भी कम है, हम लोग परस्ती नहीं चल रहा है, इसीलिए हम बिहार से आए हैं। तो इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।